स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी की 96वीं जयंती पर संकल्प दिवस का कार्यक्रम रखा गया। इसमें कार्यक्रम सज्जन सिंह तिवारी महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी सतना जी के घर में पहुंचे, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, रैगांव विधानसभा पूर्व प्रत्याशी कल्पना वर्मा, बीजेपी पर जीतू पटवारी ने हमला बोला। साथ में नरेंद्र मोदी को भी कहा कि महंगाई का कारण नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खरी खोटी सुनाई। साथ ही रामपुर बघेलान में पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, विधायक कांग्रेस में काफी उत्साह दिखा और काफी उत्साह सज्जन सिंह तिवारी के घर में कार्यक्रम हुआ। जब देखो इस सुना है कि दादा महीनों सदन चलाते थे, रात रात भर कार्रवाई चलती और आज का दौर है कि 3 घंटे में सब खत्म हो जाते। ना हम जनता की बात कर पाते, हितों की रक्षा कर पा रहे। सभी यहाँ उपस्थित परिवार के परिवार में सारे यहाँ उपस्थित जितने जो बुजुर्गण है, सबके चरणों में सर रख कर प्रणाम करता हूँ। सिद्धार्थ जी बड़े अपनी बात को ताकत से सदन में जब भी अवसर मिलता है, अपने की क्षेत्र की हो, सतना की हो, दिल्ली की हो, या उस दबे कुचले वर्ग की हो जिसके लिए बोलना चाहिए, जनप्रतिनिधि को, MLA को, विधायक को प्रणाम करता हूँ, मनसुख लाल तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ, सुगंधा को प्रणाम करता हूँ और मंच पे मौजूद, मंच के सामने कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के रूप में मौजूद सभी परिवार के साथियों के चरणों में सर रख के प्रणाम करते हुए यहाँ पे मौजूद हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश में युवाओं के हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित जीतू पटवारी जी, बड़े भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी यहाँ पे इस कार्यक्रम के आयोजन। जैसा कि जीतू भैया ने कहा, जो भी आए हैं, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कुणाल चौधरी जी थे, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे सतना क्षेत्र के लोग भी विधायक आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही सबसे ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ हमारे सामने जो हमारे रक्षा के लिए जो उनका संघर्ष था, जो उनका त्याग था, और खास करके यहाँ के वंचितों के लिए, यहाँ पर जो एक छत्र राज कहा जाता है, साम्राज्यवाद के खिलाफ में जो लड़ाई आदरणीय तिवारी जी ने 1956 के बाद लड़ी, इसके बाद में यहाँ पर एक भाईचारा बना। भाईचारा बनते बनते हम जैसे लोगों को भी मध्य प्रदेश विधानसभा में जाने का अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, खासकर मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी बहुत गंभीरता से संगठन कैसे मजबूत हो, इसके मंडल सेक्टर, उसके नीचे बूथ पर प्रबंध कैसा हो, साथ ही साथ जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने हमारे हर अंग को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। मैं मानता हूँ पूरी प्रक्रिया में संगठन की मजबूती बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से देश देख रहा है। कांग्रेस को तैयार भी होना है और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने आप को ताकत भी दे बनानी, तो हम सतर्क हैं। और बात खासकर रामपुर बघेलान की बात है, 100% यहाँ जो MLA बने हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी आई है उनकी ज़मीनों का सेटलमेंट कराना और केवल अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाना,